महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हमारे अभिभावक पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबों के चेहरे उम्मीदवार दिलीप जी लोगों आगे में ध्यान दें। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी ने दरभंगा से पर्चा भरने का काम किया है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि दरभंगा सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को टिकट दिया और ये चुनाव चुनौती ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, एक व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं, ये चुनाव किसी पार्टी को जिताने का नहीं, किसी गठबंधन को जिताने का नहीं, ये चुनाव है देश को, संविधान को, आरक्षण को और लालू जी को न्याय दिलाने का। परसों हम रांची गए, झारखंड में अपनी पार्टी दो जगह से चुनाव लड़ी, चतरा और पलामू से। बहुत दिन हो गया था हमको अपने पिता से मिले, हमारे पिता बीमार हैं, उनके साथ साजिश हुआ, उनको जनता से दूर किया गया, पार्लियामेंट से दूर किया गया, रांची में जेल में बंद किया गया और वो बीमार है तो वहां अस्पताल में भर्ती है। डेढ़ महीना से हम उनसे मिले नहीं, हमको सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम सब लोग जितने लोग यहां बैठे सब लोगों पर, लेकिन समय नहीं मिल पाता। हम लोग तो कोई डेली डेली नहीं जाते रांची, हम बस आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं मिलने दिया गया, मना कर दिया गया, बल्कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल मैनुअल है सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का, उसको अधिकार है कि अगर परिवार के सदस्य और खास तौर पे जब बीमार है तो ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो समय और सीमा तय कर दे। परसों हमको नहीं मिलने दिया गया समय, ठीक है, लेकिन कल सुबह लगातार हम फोन करते रहेंगे सुपरिंटेंडेंट को, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। की सुबह सुबह मुलाकात हो जाए और वहां जाना जरूरी था, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, और हमारे को अपने पिता का आशीर्वाद चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमको मुलाकात नहीं करने दिया गया। आप लोग जानते हैं लालू जी क्यों जेल में, बताने की जरूरत नहीं, इसलिए जेल में है क्योंकि नीतीश चाचा पलटू चाचा मोदी जी जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे आरक्षण, लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी दंगाई में दम नहीं कि दंगा फसाद और हमारे भाईचारा को विकास। ये जानते थे, आप समझिए कि लालू जी को सोचता था लोग केस मुकदमा जेल में कर करके डरा देगा, लेकिन इनको पता नहीं कि गिरा भक्ति से हमारे पिता डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर है। अगर ये गलत करने में है मनुवादी लोग भटपैया, अगर यहाँ भी अगर भटपैया अगर कान लगा करके सुन लो, अगर यहाँ हो चुके हुए ये मत सोचो कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे तो आप अपने मनसूबों में कामयाब हो जाइएगा। माँ का दूध पिए तो और दो दो हाथ फड़िया लो, देखते हैं किसके बाजू में कितना ताकत है। कौन साहब कायर साहब सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति, जहर की राजनीति,
नकारात्मक राजनीति, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से। आप बताइए, हमारे पिता ने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवर्गियों से समझौता किया? कभी नहीं। आज बल पक गया आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन आज भी वो लड़ाई लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अब बताओ, अस्पताल में बीमार है डेली चाचा हमारे छापा बढ़वा ले, अगर सीजन घोटाला हो गया छापे नहीं पड़ता होंगे। मतलब नीतीश जी का तो पाप धूल ना गया बीजेपी में जाने के बाद। बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र, और ना जाइएगा तो आप पे केस मुकदमा जेल में बंद। ताना शाही या घोषित इमरजेंसी चल रहा? आप बताइए, हमारे पलटू चाचा काहे पलटे? क्योंकि सृजन का ना डर था, तेजस्वी को बहाना था, बीजेपी में इनको जाना था। ड्रामा ताकि जनता में एक बहाना हो कि उन्होंने पलटी क्यों मारी, इसलिए केस मुकदमा छापा करा। लेकिन हम तो छापे देखते हुए पड़े हुए हैं, खाली अमीनिया के घर पर छापा। हम तो कहते भैया सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स आओ ना मेरे घर में कार्यालय खोल लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? हम पे तो मुकदमा किया जब मुझको नहीं था 13 साल की उम्र में, तो ज्यादा कुछ हमने कही। देखिए, जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है ना तो तारीख तय होता, सीधा फैसला होता है। ये लोग देखिए, नीतीश जी कहते थे कि नहीं कहते थे? क्या कहते थे? मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में तो मिल गए, लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की। तो हम वही थे, साथ में थे, हम निराश दुखी थे। हमारे पिताजी कहते बेटा निराश मत होना, निराश हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना, जब अपने मालिकों के बीच आप लोग। और आप जानिए, आप बहुत कुछ बाकी है, अगर जुमलेबाजी है, अच्छे दिन, 15-15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार, गंगा सफाई, क्या क्या नहीं, बिहार का बोली रहे समझिए। ये अपने आप को चौकीदार कहते हैं। मोदी जी कान खोल करके सुन लीजिए, अगर आप अपने आप को चौकीदार मानते हो तो देश की जनता, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता थानेदार छोड़ेगा नहीं, आपको सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी याद है? आपका सारा पैसा जमा करवा दिया बैंक में, नीरव मोदी ने मोदी विजय मल्ल कहते भाग्य सारा, इसीलिए नोटबंदी हुआ था ताकि नीरव मोदी लेके भाग जाए। और सब मोदी जी का बिरादरी, ऐसा चौकीदार ही भाई, ऐसा चौकीदार देखता क्या? तो आप लोग जानिए, ये बर्बर मोदी और गड़बड़ मोदी है, इनके झांसे में नहीं आना है। हमारे चाचा पट्टू चाचा कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का पार्टी। आज ये चाचा ऐसा कोई सगा नहीं जो हमारे चाचा ने ठगा भाजपा वाला लोग है, या आप लोगों से मैं पूछा, मेरे चाचा को कोई गारंटी ले सकता है? बीजेपी वाले लोग कान खुल करके सुन लो, कहां आपके वोट का सौदा करेंगे, कोई ठीक नहीं। इनका तो चुनाव चीन तीर है, आप बात समझिए भाई, क्या काम की तो शराब बनी। हम मानते हैं कि दशा मुक्त भारत होना चाहिए, सब लोगों को समझाने की जरूरत है, लेकिन हम आपसे पूछते शराब चालू है कि बंद है? अच्छा, 1500 और 200 में जो अंतर है, 1300 को चाचा के फंड में, तो शराब
बिहार पुलिस पे हमको तरस आता है, इसलिए हम आपसे पूछ बिहार पुलिस का क्या काम होना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? अपराधियों को पकड़ देंगे, हत्यारों को पकड़ देंगे, रेपिस्ट को पकड़ देंगे, लुटेरों को पकड़ देंगे, चोर मवालियों को पकड़ देंगे। कई लोग ढूंढने चल रहे हैं क्या शराब पिया, बिहार का अपराध बढ़ेगा ना शराबी को, बाकी अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप बालू बंदी करा दिए, सब मजदूर के पेट पर लात मार दिए, अब पूछते बालू महंगा हो गया ना, पहले सस्ता था ना, गरीब के पेट पर लात मारे ना। आप बताइए तो असली माफिया कौन है? आज महंगा मिल रहा है तो इसलिए हम कह रहे हैं इन लोगों से सावधान रहो, गरीब विरोधी लोग। समय नहीं है, हमको समस्तीपुर भी जाना है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक नारा लगाएंगे। आप अब नानू जी के साथ क्या कीजिएगा ना, अपने बेटा भाई का आशीर्वाद है ना, देखिए नानू जी तभी छूटेंगे जब सिद्धि जी को आप इंद्र बटन दबा करके जिताइएगा। नौकरियां रिक्त है, मोदी जी दोबारा जाएंगे तो नौजवान भाई सुन लो, ये पूरा सरकारी नौकरी खत्म करके पूरा प्राइवेट के हाथ में दे देंगे, इसलिए सावधान रहना। देखो पलटू चर्चा के लगाइए ना, हम बोलेंगे पलटू चर्चा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार बचाओ, पलटू चर्चा भगाओ, हम तो बचपन में मूवी देखे थे चाची 420। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की अनुमति हो हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया है। हम आप लोगों की तरफ से और अपने ओर से उनको विजय भवन क्या एक आशीर्वाद और शुभकामना हम देते हैं। एक तरफ एनडीए है, भाजपा है और जदयू है। आज लड़ाई हम लोगों की कोई पार्टी और व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा से लड़ाई है। एक है सामाजिक न्याय का धारा जो इंसाफ करके गरीबों को, अखिलेतों को, शेड्यूल कास्ट को और सभी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी धारा है भावना फैला करके दूसरों को मूर्ख बना करके एन केन प्रकार में सत्ता में रह करके अपना काम करना चाहते हैं। इसी धारा में निश्चित रूप में हम लोग महागठबंधन के पक्ष में और महागठबंधन की ओर से जब हम हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की ओर से और आरएलएसपी के श्री उपेंद्र कुशवाहा की ओर से हम लोग यहाँ पर एक और एक चुनाव चिन्ह लेकर के भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी को हम लोग भेजा है, जो राजद के हैं। बजे के बाद सबको मुंह में नजर लगाओ, और दूसरे तरफ जो बड़े बड़े माफिया हैं शराब के, आज अरबपति हो रहे हैं, करोड़पति से अरबपति हो रहे हैं। और ठीक तेजस्वी जी कहा करते हैं, पहले एक शराब बोतल 2 रुपए में मिलती थी, आज वो शराब 15 रुपए में मिलती है। ये 13 रुपए का फासला कहाँ जाता है, पैसा कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे पॉकेट में। इसलिए मेरे भाइयों बंधुओं, इन लोगों को काम करना कुछ नहीं है, ये जनमत के खिलाफ बात किए हैं। और जहाँ तक सिद्दीकी जी का सवाल है, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, हर तरह से
राष्ट्रीय जनता दल के लीडर के साथ साथ हमारे महागठबंधन के मूर्धन्य नेता है और इनको जिताने से आप लाभान्वित होइएगा, आप गौरवान्वित होइएगा। हमारे ये जमाते ये सिद्दीकी साहब है, उनका कोई बहुत रुतबा में फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि महागठबंधन को जिताने का कोशिश कीजिए। और उसके पीछे एक महत्व है, एक हम लोग मंशा बना के रखे हुए हैं कि आज लालू यादव को गलत गलत केस में फंसा करके आज जेल में रखा हुआ है और सीजन घोटाला और मुजफ्फरपुर शेरकर खान को दबा कर हम कहना चाहते हैं कि आखिर कैसे जेल का दरवाजा टूटेगा। महागठबंधन के लोग जीतेगा, दिल्ली में सरकार बनेगी, लालू यादव को हम लोग छुड़ा लेंगे। जो पलटी मार करके हमारे नीतीश कुमार जी आज भाजपा के साथ से आज सत्ता चला रहे हैं, भारत में अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तुरंत उनको चलता करके अपने जो आपके जो उम्मीदवार हैं भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, वो किसी के पहचान के मुताज नहीं है, बल्कि इनकी पहचान एक अलग नेता के रूप में सब लोग जानते हैं। जो इनके कार्य करने का पहले इनकी ईमानदारी की छवि और इनके पारदर्शिता की बातें जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इनको सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी लोगों को स्वागत है, आपको स्वागत इतना दे ये हमारे पास शब्द नहीं है। मैं इस बार दरभंगा जिला में लालू यादव ने ऐसा शानदार जानदार उम्मीदवार खड़ा किया है जो शराफत के प्रकाशता पर खड़े हैं। इनके लिए आप लोग चले समझिए, दरभंगा जिला के मध्य अली नगर है जो कुशेश्वर स्थान तक के दरभंगा जिला पहुंचा है। इनको जिताने के लिए आप लोग चुनौती समझिए। मैं आपसे कहूंगा और आपको मैं स्पष्ट प्रकाश करना चाहता हूं कि ये जिस तरह का शासन है 5 साल के लिए नहीं है। इनको लगता है कि लगातार 15 साल 20 साल इनको मिलता रहेगा। महागठबंधन पिछले बार भी बना था और 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी 5 साल से कम काम कर रही थी और 5 साल में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी का जो टेक्निक था उसमें हम लोग पटकनिया दिए, लेकिन हुआ क्या? हमारे साथ जो आए थे जिनको बटकनिया में वही पलटू राम बटकर के और चले गए। स्थिति वैसी है, आपको हमको सोचना पड़ेगा कि इस बार भी महागठबंधन में 5 पार्टी हमारे साथ है और उस 5 पार्टी में आते होंगे महागठबंधन उस तरह का बना है, सोशल इंजीनियरिंग उस तरह का किया गया है कि आप केवल अपने बूथ तक सीमित रहे, पूरा जिला घूमने का नहीं है, पूरा लोकसभा घूमना नहीं है, अपना अपना बूथ में केवल काबिज रहे और 10-20 साथी के साथ रहे। आपको पता चल जाएगा 40 में 40 दिन महागठबंधन अपने भोले में ले लेगा। तब आप कहेंगे कि आज हम यहीं से आह्वान करेंगे अपने अभिभावक सिद्दीकी साहब को भारी बहुमत से जिताने और साथ में यहीं से आह्वान करेंगे भाई अशोक राम जी को भी यहीं से नाश्ते देंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि मधुबनी को भी आप यहीं से देख लें कि जो विधानसभा आपका भी पड़ता है और यहीं से तो नाश्ते जाएगा। दरभंगा हमारा हक है, दरभंगा अरे प्यार की राजधानी पटना है, लेकिन मिथिलांचल की राजधानी शुरू से हम लोग दरभंगा मान के चले हैं और दरभंगा के जनता से आह्वान करते हैं। आप लोग हो सकती है कि आप 40 का 40 सीट दिलाने का दरभंगा के लोग पढ़ ले और आप सोच ले। ललित खान साहब, खुर्शीद आलम साहब, शेखर सहनी जी और यहाँ पर बैठे हुए पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा जी, तमाम जो हम पार्टी के रालोसपा के कांग्रेस के
और वीआईपी पार्टी के तमाम साथी, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो देश के हालात है हमको बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक आदमी हर एक चीज से अवगत है, समझ रहा है कि क्या करना है। 2014 में जो हमसे भूल हुई या जो हमको ठगा गया, हम उससे सबक जरूर लेंगे और हम ये तय करेंगे कि इस देश में इंसानियत के मानने वाले रहेंगे या इंसानियत के कातिल रहेंगे, ये हमको और आपको तय करना है। लोग सोशल मीडिया को बहुत एक्टिव रहते हैं, इस वक्त हमको बहुत सोच समझ के एक एक चीज बोलना है या लिखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मक्कार पार्टी है जो लास्ट को भी राजनीति करना चाहती है। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके किसी कदम से वो फायदा उठाए। इस वक्त हमको और आपको बहुत सहन करके, विशेष तौर के दरभंगा के लोगों, आप प्रतिष्ठित हो, आप भाग्यशाली हो, इतिहास में मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मौका मिला है कि आप ऐसे एमपी को चुन के भेजो जो दरभंगा की जो शान है हिंदुस्तान के अंदर, जो मखाना के नाम से जाना जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बार चुन करके 44 सीटों को भेजो तो देश के लोग ये जानेगा कि दरभंगा का लोग एक ईमानदार व्यक्ति को चुनना जानता है, एक ईमानदार सियासत इसलिए लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको भटकाएंगे। लेकिन मैं पता देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे भाजपा के लोग भगवान राम के नाम पर आपको बदलाने का काम करते हैं, दंगा फसाद फैलाने का काम करते हैं। भगवान राम का मानने वाला कभी किसी का मान ऊंची नहीं कर सकता, भगवान राम का मानने वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, भगवान राम का मानने वाला कभी किसी का आरक्षण नहीं छीन सकता, भगवान राम का मानने वाला किसी इंसानियत का दिल नहीं दुखा सकता, भगवान राम का मानने वाला जो सच्ची बात नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सभी के लोग, ये लोग भगवान राम का मानने वाले नहीं है, ये महात्मा राम का मानने वाला है। याद रखना वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जिसने अपनी पूरी जवानी पीछे लगा दिया, अति पिछड़ा समाज के लिए लगा दिया, और उसके बाद जब नायकपुर ठाकुर जी के बाद पूरी जिंदगी इन्होंने लालू यादव जी के साथ लगा दिया और पिछड़ा और दलितों की लड़ाई में अपना एक कीमती वक्त देने का काम किया है। इसलिए ये वक्त है आज उनको उसकी मजदूरी देने का। 23 साल 35 साल मुझे लगता है 40 साल जो इन्होंने वक्त दिया है। अभी जनाब अब्दुल गफूर साहब बता रहे थे जो इन्होंने पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए और इन पायदान पर बैठे हुए समाज के लिए जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मिलकर के, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर के, चाहे अभी तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर के, हमारे प्यारे कार्यकर्ता और हमारी जनता, मैं सबका हमेशा अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग इतने दूर दराज से, ये जाहिर होता है कि हम अपने कैंडिडेट से कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और इस बार की जो लड़ाई है, मैं तो यहाँ पे भाषण भूषण करने नहीं आया हूँ, मैं एक ही बात आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि जो तथ्य है, जो सच्चाई है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आज देश की क्या स्थिति है और देश की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अभी नहीं जाने तो जो हाल लोगों का अभी है उससे भी बदतर होने वाला है। आप देख रही है बेरोजगारी कैसे दूर होगी, एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे ठीक होगा, नफरत कैसे दूर होगी, इन सारे चीजों पे हम लोगों को नजर डालना है। और हम लोगों को महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट देके जिताने का काम करना है। एक बार हम नारा लगाना चाहते हैं, हम बोलेंगे अब की बारी, आप लोग ये बोलेगा अब की बारी, निष्ठा लगन ईमानदारी, भारी मतों से जिता के उनको विजय बनाएंगे। यही हम लोग आज संकल्प लें और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जो इतने 85 किस्म जो लोग आए हैं दरभंगा के कोने कोने से आज नामांकन फाइल करते समय, कि वो सब अपने जुट होके और अपना अलग नगर निगम जमाए और सबको जगाए,
हम लोग बहुत दिन सो गए हैं, अब हम जागे हैं और सबको जगाएं और अपना बहुमत हम लोग मिलके एकजुट होके लालटेन साथ में दें और हम लोगों को विजय बनाए, यही हमारी गठबंधन दल के सम्मानित अध्यक्ष जी। तमाम जगहों पर बनी हुई है और खास करके दरभंगा पर विशेष रूप से निगाह है। हम लोग यहाँ आए हैं और आने में घंटों समय मुझे यहाँ लग गया। हर गली ऊंचा तमाम जगहों पर आज कार्यकर्ता मतदाता मालिकों का जमाव रहा है। लेकिन मित्रों, मैं आप तमाम मित्रों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये भीड़ देख करके हम लोग यहाँ से जाएंगे, अपने नेताओं के भाषण को सुनेंगे और सुन करके जाकर के घर में सो जाएंगे, यही होता रहा। इसलिए हमने कहा कि आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की अनुपस्थिति में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अब्दुल बारी सिद्दीकी सिर्फ दरभंगा से ही नेता नहीं है, बल्कि हम दरभंगा के मतदाता मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं कि इनको आप आज ही इसी सभा से इनको यहाँ से छुट्टी देने का काम कीजिए, ताकि ये बिहार में घूम घूम करके तमाम जगहों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जाने का काम। उम्मीदवार हमारे चाचा माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब एवं मंच पर उपस्थित सम्माननीय आदरणीय नेतागण विधायकगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुकेश सहनी जी का, जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे व्यस्त समाज को काफी सम्मान दिया और हमें मधुबनी का उदाहरण बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने हमें उम्मीदवार बनाने के लिए मुकेश सहनी को समर्थन दिया। शामिल हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में चिलचिलाती धूप में मशक्कत करके आए हैं वो नेता, बस बदकिस्मती से मुख्यमंत्री नहीं बने, नहीं तो वो मुख्यमंत्री के लायक उम्मीदवार हैं, न कि लोकसभा के लायक उम्मीदवार हैं। आप ऐसे संकल्प के नामांकन में आए हैं जो जन जन के नेता है, गरीबों के नेता है, किसान और मजदूर के नेता है। हम दो बात कहेंगे, बिहार में दो ही दूरी है, एक गरीबों की दूरी और एक फिरका परस्तों की दूरी। दूरी आपको दूरी में से तय करना है कि किसके साथ रहना है। इससे पूर्व के चुनाव में हम नाम लेना नहीं चाहते हैं ऐसे फिरका परस्तों का, वो नाम लेने के काबिल भी नहीं है। आपके वोट से वो जीत करके बिहार में सत्ता में काबिज हुए, लेकिन वोट लेना था तो लालू जी बहुत अच्छे थे। जब आपका वोट लिया हुआ हो गया तो लालू जी बहुत बुरे हो गए और उन्होंने आपको दरकिनार करके लपिया करके और फिरका परस्तों के साथ मिल करके और बिहार की सरकार बनाई। अपने बैठने से सोने से नहीं होगा, आपको अपने बच्चों के भाग के लिए, आपको अपनी नस्ल को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के सांसद के लिए, हिंदुस्तान के कल और कल में सभी के लिए आपको उठना होगा। अपनी बहनों की से बचाने के लिए, संजू बचाने के लिए, नौनिहाल बच्चों को बचाने के लिए आज बहुत खुली ना होगा। दोस्तों आप पसंद लीजिए, आप माना दीजिए, दोस्तों बहुत तकलीफ का वक्त नहीं है, छोड़िए आपको ये इरादा कर लेना है और 29 तारीख तक चैन से बैठना है। अगर आप चैन से बोल गए तो फिर ये देश बचेगा नहीं, संविधान बचेगा नहीं और हमारा ये हमारे पुरखों के खून का वो नाच जो अंग्रेजों ने बहाया था वो बचेगा नहीं। तो सवेरे में हमें दिए दीवान राज्यपाल को उठा करके शपथ ग्रहण किए, कोई उसमें डर था जो लालू यादव सवेरे रांची से बिहार आ जाएगा, हमका हमको राष्ट्रक नहीं होगा। कई साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, कुशवाहा समाज के साथियों को, जैसे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा को जान मारने की साजिश कर रही है नीतीश कुमार जी, आप लोग निश्चित रूप से